बोगस सीएमओ तथा महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना में पकड़ा गया अपराधी विराज पटेल पुलिस जब्ता से फरार होने के बाद आखिरकार पुलिस द्वारा उसे मिजोरम आसाम की बॉर्डर से धर पकड़ते हुए गिरफ्तारी की गई। शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई वैसी शिकायत के आधार पर खुद सीएमओ ऑफिस में काम करता होने की पहचान के साथ बनावटी पान कार्ड दिखाकर महिला को गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाने की लालच देकर दुष्कर्म गुजारने की शिकायत दर्ज की गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा सीएमओ की झूठी पहचान देने वाले वैसे शातिर अपराधी विराज पटेल के खिलाफ गुनाह दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की गई। जो गुनाह में पकड़ा गया था वैसा विराज अश्विन पटेल वडोदरा मध्यस्थ जेल में कस्टडी के तहत 11 नवम्बर के दिन पुलिस जब्ता से फरार हो चुका था, जहां विराज पटेल को पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत जारी करते हुए देश के हर एक कोने में सघन तलाशी जारी की थी, जहां पुलिस ने गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, त्रिपुरा हर एक देश के कोने में सघन तहकीकात जारी करते हुए आखिरकार वो आसाम मिजोरम की बॉर्डर पर आश्रय लेता होने की जानकारी प्राप्त होते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई। वडोदरा डीसीपी पुलिस द्वारा आखिरकार उसे मिजोरम आसाम की बॉर्डर से धर पकड़ते हुए वडोदरा लाने के बाद उसकी गिरफ्तारी करते हुए दोबारा से उसे मध्यस्थ जेल में धकेलने की कामगिरी जारी की है, जिस संदर्भ में आज पुलिस विभाग द्वारा पत्रकारों को संबोधित किया था। विराज पटेल के जेनी विरोध गोत्री पुलिस खाते अगौ बे गुना नोधायेला था। एक दुष्कर्म बीजी सीएमओ ना अधिकारी ने खोटी ओरख आपी और छेतरपिंडी बाबत खोटा दस्तावेज उभो करने गुनो हो। आ बे गुना अंतर्गत हाल में बड़ोड़ा सेंट्रल जेल में काचाकामना कैदी तरीके हो। तारीख 10/11 ना रोज दुष्कर्म गुना काम कोर्ट में मुद्दों थी पुलिस जातो साथ कोर्ट में रजू कर दरमियान त्या पुलिस नजर चूकवी अने फरार थई गयेलो हतो। विराज पटेल फरार थता माननीय सीबी साहेबना मार्गदर्शन हेठळ क्राइम ब्रांचनी तेमज लोकल पुलिस स्टेशननी अलग अलग टीमों बनावी अने कामगिरी हाथ धरवामां आवी हती। पीसीबीनी पण एक अलग स्वतंत्र टीम बनावी अने वर्कआउट चालू हतुं एमां। ते दरमियान ह्यूमन इंटेलिजन्स अने टेक्निकल इनपुटथी एवा मेसेज मळ्या हता के विराज छे ए पूर्वोत्तर भारत राज्यों में अत्यारे गयो होवानी माहिती छे, जे मुजब तेना अलग अलग लोकेशन त्रिपुरा, आसाम अने मिजोरम राज्यना आवता हता, सतत बोलाता हता। आ माटे क्राइम ब्रांचनी एक टीम तात्कालिक त्यां मोकलवामां आवी हती अने साथे साथे गोत्री पोलीस स्टेशननी एक टीम पण अलायदी मदद माटे पण मोकलवामां आवेली हती। आ बे टीमों द्वारा अंदाजे અહીંથી શરૂ કરી અંદાજે લગભગ 6,500 થી 7,000 કિલોમીટરની મુસાફરી કરી અલગ અલગ રાજ્યોમાં સતત એની પાછળ ફરી અને છેવટે અને આસામ મિઝોરમની બોર્ડર ઉપરથી હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે અને આજ અને આજે પરત અને આજે લઈ અને ટીમ બરોડા શહેરમાં પરત આવેલ છે અને જેને અમે ગોત્રી પોલીસને સોંપી રહ્યા છીએ।